ये हमारे खेत हैं, इसमें धनिया भी भर गए। धनिया 24 तरीके का, देखिए कितना बढ़िया धनिया हो रहा। देखिए पिताजी ने लगा रखा धनिया, ये टमाटर की तैयारी चल रही है। और इस तरीके से टमाटर की खेती भी करते हैं, और सबसे पहले हमारे पिताजी ने ही टमाटर की खेती की थी। जैसे कि मैं आपको ये नीचे की साइड कुछ मिर्ची लगाई है, लेकिन घोड़ी नहीं है, मिर्ची भी नहीं होने वाली। इस तरीके से यहाँ से रास्ता बंद हो गया, तो मैं यहाँ से जाता हूँ पापा के पास। बंदर भी तरह आम खाएंगे, दिखाऊंगा वो भी। ये हमारे टमाटर के गुल। इस तरीके की खेती है हमारी पहाड़ में। धनिया की गुड़ाई चल रही है, यहाँ तक गुड़ाई हुई है, यहाँ तक कोई गुड़ाई नहीं हुई है। पिताजी गोड़ रहे हैं, गुड़ाई चल रही, गुड़ाई ले। ये मैं धनी नहीं है, ये बाद में हुआ क्या? खा लिया अभी दिलबाग लगा रखी है यहाँ पर। ये दिलबाग खा रहे हैं भाई, मिठाई वहाँ में तो है नहीं रही। मैं कुछ कहा धनी ऊपर का धनिया हो गया हमारा, और बाजार के लिए तैयार है। टमाटर बधाई चल रही है, देख सक रहे हैं कैसे बातें हैं टमाटर। फूल भी आ गया टमाटर का फूल। जावा करके मैं चलो दोस्तों, अब चला जाए घर को, दिखा दूँ एक बार। ठीक है धनिया थोड़ा देखिए, देख सकते हैं कितना बढ़िया हरा भरा धनिया है। इधर भी देखिए हमारे पिताजी ने लगाया है, यानी एक फसल के साथ एक सहायक फसल कैसे लगाई जाए। अगर वो टमाटर लगाए थे तो टमाटर में धनिया कैसे लगाया जाए, इसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमारे पिताजी ने ये सब शुरू किया था। और आज लोग चाहे कुछ भी कहें, कितने आसमान छू लें, हमारे गांव में हमारे पिताजी ने ही शुरू किया था सबसे पहले। क्योंकि पहले हमने हल्का सा टमाटर पहले टमाटर लगाए थे या धनिया लगाया था, पहले टमाटर लगाए थे,
उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने धनिया लगाया, टमाटर अलग, धनिया अलग किया, फिर दोनों को एक कॉम्बिनेशन किया और आज वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें हम लोग बोते हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको पीछे वो कैसे टमाटर बांध रहे थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती, ये टमाटर को बांधने के लिए धागा है कट्टे का, हर चीज़ का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे कट्टा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो हमारे पास पड़ी है तो उसका उपयोग होगा। यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल यूज़ कम करते हैं टेक्निकल चीज़ों का, लेकिन दिमाग पूरा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आजकल खाली मेहनत करने से ही कुछ नहीं है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। देखना है कि कैसे लगाते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएँ हैं, वो सब लगाते हैं। लेकिन फिर नई टेक्निकल चीज़ें जो अपने को नहीं पता है, तो अगर हम एक विलेज में ही रहते हैं, अगर हम एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, हम अगर कहीं इधर कहीं जाते हैं तो वहाँ से वो कई सारी चीज़ें सीख के लाते हैं। जैसे टमाटर लगाना भी बाहर से ही सीखा था पापा ने, तो इस तरीके से कई नई नई टेक्निक वो लेके आते हैं। पहले जो है वो लकड़ियाँ, वो कूरी एक झाड़ी होती है हमारे यहाँ जिसको बिछाते थे, और अब जो है इन्होंने खड़ा करके लगाना शुरू कर दिया। तो नई नई टेक्निक चीज़ें विकसित करते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद। लेकिन अगर टाइम से हो जाए या कुछ टाइम से ऐसी परिस्थिति वो हो जाए, ऊपर वाला चाहे कि जल्दी से हमें वो करता है, वो करे, आगे को हमें अग्रसर करे, तो उसके लिए हमें आगे अगर बढ़ना है तो हमें कहें तो कि हमें नई नई चीज़ों का टेक्निकल यूज़ का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ दिखा दो, धनिया कितना बढ़िया हो रहा है, देखिए ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ों का थोड़ा सा पिताजी कम यूज करते हैं और सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा भी बहुत करते हैं भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कभी कभार। ये मिर्ची आ रही है, मिर्ची तो ख़राब ही हो गई है बिना गुड़ाई के, अब गुड़ाई करेंगे इस पर जो भी है। इस तरह केले भी लगा रखे, देखिए मैंने बोला तो सही, पिताजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को लगाते हैं, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा जो इन्होंने नहीं किया। हाँ, गोभी इन्होंने लगाई, मूँगफली इन्होंने लगाई, अदरक इन्होंने लगाया, टमाटर इन्होंने लगाया, शिमला मिर्ची इन्होंने लगाई, खीरे इन्होंने लगाए, तुरई इन्होंने लगाई, क्या नहीं लगाया, हर चीज़ में एग्रेसिव है हमारे पिताजी खेती बाड़ी में। लेकिन उतने सक्सेस नहीं हो पाए जिस तरीके से किसानों को सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन लोग पता नहीं किस्मत की भी बात होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मेरी पहाड़ की तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप देखेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। चाहे आप दिल्ली से हों, मुंबई से, कहीं से हों, अगर आप विजिट करना चाहते हैं नैनीताल में तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर या मेरे चैनल पर कमेंट कर दें तो जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको अपना विलेज दिखाएं, और जिस तरीके हमारा रहन सहन है, जो भी है, जैसा भी है, हल्का फुल्का कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ का कल्चर के बारे में बताएं, यहाँ की चीज़ें खिलाएं और यहाँ की चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम, आई लाइक।